गुजरात हाईकोर्ट कले क्लियर राहुल को सजा बरकरार सजारे रोक नहीं राहुल को आश्वस्ति नहीं राहुल को सदस्यता जाइछि आउ न फेरिबो मोदी संगे अपमान रो दंड भोगिबा को पड़िबो जे आशा नहीं पूर्वतन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट जाइथिले से आशा तांकर मलाजन पलट जाइछि मानहानि मामलें पुणी राहुल को सख्त झटका राहुल आवेदन को पाए पाए उड़ाई देवा सह तलकोर्ट राय कायम रखिंट गुजरात हाईकोर्ट तेणु संसदर सदस्यता हर राहुल सदस्यता फेरबार नहींपर आगामी निर्वाचन लड़ी पारे एथस अदालत राहुल गांधी धूम बर्षि आधारहीन जुक्ति रखी मुक्ति चाहती राहुल विशेष परिस्थिति बिना तलकोर्ट राय रोक लगे कौन आवश्यकता नहीं राहुल ना आहरी दस टी अपराधिक मामला रही सजा उपर रोक न लगाइबा राहुल गांधी को उपर अन्याय नुहे लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सही है दूसरा एमएलए एमपी होने की वजह से सिर्फ किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता है स्पेशल बेनिफिट नहीं मिल सकता है तीसरा मुद्दा ये है कि जो एक्यूज है एक्यूज के सामने बहुत सारे ऐसे केसेस है चौथा मुद्दा ये है कि इवन आफ्टर दिस केस व्हाट वी जो हमने आर्ग्यू किया था कोर्ट के सामने उन्होंने वीर सावरकर की जी के सामने भी कुछ उन्होंने स्टेटमेंट किए थे जो कि वांधाजनक टिप्पणी थी और इसके लिए भी उनके ऊपर कुछ केस हुआ है ये हमारी दलील थी जिनको ग्राह्य रखा गया है और इसके हिसाब से आज जजमेंट दिया है रिवीजन डिसमिस हो गई है 2019 साधारण निर्वाचन बेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरनेम बा उपनाम को नहीं आपत्तिजनक मंतव्य देते कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्णाटक कोलार रे एक राली रे प्रचार बेले राहुल गांधी एभली विवादीय बयान देते मर्यादा भूली जाए मोदी सरनेम विशिष्ट समस्त व्यक्ति को संवेदनहीन वाक्य आघात देते राहुल एपरी आपत्तिजनक मंतव्य राहुल परिपक्वतार प्रमाण देता यह विरोध में ही अदालत जाते गुजरात बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी जहार शुणी कर सूरत सेसन्स कोर्ट प्रथम राहुल को 2 वर्ष दंडादेश शुणाई सूरत की सेसन्स कोर्ट में जब वो आए थे वापस दोनों पक्षकारों की वकीलों की दलील हुई बाद में वहां पर भी उनका कन्वेक्शन स्टे निकाला गया खारिज कर दिया गया तब हमारे फैसले हमारे पक्ष में रहा उस फैसले से नाराज होकर नामदार गुजरात हाईकोर्ट में श्रीमान राहुल गांधी ने फिर से मुकदमा कन्विक्शन स्टे के लिए आए थे और आज दोनों पक्षकारों की दलील हुई है बाद में आज का जो फैसला दिया गया है तो उस फैसले को हम नामदार हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हैं इतने पर भी गांधी के क्षमा मांगती कही अहंकार दिखाई दिले राहुल किंतु गांधी बाबा के दर्शन रे नम्रता थिला मिष्ट भाषा थिला कहाकु आघात न देबा थिला ले राहुल गांधी चरित्र संपूर्ण अलग चोरी उपरे सीना चोरी करुवा अहंकारी राजनेतार नाम बोधे राहुल गांधी गांधी सरनेम रखी जे समस्ते गांधी हो जाती भूली जाती राहुल मेरा नाम गांधी है गांधी किसी से माफी नहीं मांगता और मैंने कहा पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना एक बार तो बोलने दीजिए बेड़ा देखी चौका मारिबा परे राहुल कांग्रेस उपरे जोरदार अटैक करी बीजेपी बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद प्रेस मीट राहुल गांधी को उपरे प्रबल बरसी कोर्ट ने कहा इनके खिलाफ लगभग 10 मामले चल रहे हैं इसलिए कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है स्टे करने का जहां तक डिफेमेशन का सवाल है राहुल गांधी इज ए हैबिचुअल ऑफेंडर मानहानि के मामले में राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं। राहुल गांधी जो अभ्यासगत अपराधी किंतु ओबीसी समाज को क्षमा मांगा परिवर्तन कांग्रेस राहुल इमेज बचाईवा प्रतिवाद आरंभ कर राजनीति में आरोप प्रत्यारोप साधारण कथा होता बेले कौन वर्ग उपर आपत्तिजनक टिप्पणी किंतु आद्य ग्रहणीय नुहे एवं राहुल शेष विकल्प सुप्रीम कोर्ट ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।